क्या लगता है खुद से अपना गला ऐसा बांध सकता है ऐसा नहीं कर सकते नहीं तो इतना पतला डाल पर खुद का उतना और दो, दो बजे या तीन बजे जो भी रात हो एक बजे तक तो वो हमसे यहीं कराना नहीं मिला सरकार से क्या मांग करती है प्रशासन पुलिस प्रशासन से क्या मांग प्रशासन से मांग करती है इसका जो अगर जब कोई हत्यारा हो तो हत्या मतलब कि की कहीं से कड़ी सजा दी जाए की दीजिए हम कहे सरकार कि हमारे जीना हत्या के कलक अति चाही आई हमर छीन लेल के कोई तक तकरो छीनना चाहिए बहुत अमीर आ सर बहुत अमीर आ गए प्रशासन उतारा था उसको? उतारा उसको पुलिस वाले ने उतारा प्रशासन पुलिस प्रशासन ने उतारा हाँ आया उसके बाद उतारा घर आया था हाँ खबर आसपास मैं विष्णु सिंह आज हम मौजूद हैं काको पंचायत के काको गांव में और ये आपका भैरव स्थान थाना झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत ये मधुबनी जिला में आता है और यहाँ पर आज एक बहुत ही दर्दनाक घटना देखने को मिली है जिसमें एक 18 से 20 वर्ष का नवयुवक जिसका नाम कथित तौर पर मिथिल जिसका नाम मिथिलेश राम पिता बिरजू राम कहा गया है कथित रूप से और मैं आपको बता दूं बहुत ही दर्दनाक घटना है क्योंकि वह 18 से 20 साल का लड़का था आखिर क्या कारण हुआ किस कारण से आज सुबह जब जानकारी मिली गांव गांव के लोगों को तो वो मौके पर पहुंचे और उसकी जो बॉडी है वो एक तेतर गाछ में यानी कि इमली के पेड़ पर लटकती लटकती हुई पाई गई हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है और कैसे क्या हुआ है मृतक मिथिलेश की दीदी जिन्हें मौजूद है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या नाम हुआ आपका नाम है विमल देवी के बाबू कि नाचत रहे देखी तो दीदी हमारा नाच नहीं दलिए बाबू कनिकाल रुक जा तब भर रात गि कूद अखन खा पिया दह ख पिया दियो तकबाद में अंतन नाच अखन नहीं नाचू आई जब से एल की भेले नहीं आ कमहर ही कल रे नहीं क्या भेटल तेतर गाछ लग क्या कूर गाँव पड़े गाँ भट्ठा अब कहीं जानकारी हमारा 8 9 बजे 8 9 बजे भोर में लापता कखन से लापता है 1:30 बजे

या परसों यहाँ पर एक शादी का उत्सव था शादी में सभी लोग कुटुम कुटमार आए हैं आप देख सकते हैं पूरा आंगन अभी इस समय कुटुम्ब से भरा हुआ है लेकिन इस कुटुम्ब से भरे हुए खुशहाली में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है जहां पर एक बीस अट्ठारह से 20 साल का नवयुवक मिथिलेश राम जिसका जिसकी बॉडी एक तेतर गाछ में लटकी हुई पाई गई यहां पर कुछ ग्रामीण भी हमसे भी जाने जाने की कोशिश करेंगे किस तरह का लड़का था कैसा लड़का था वो केह लड़का चले इस लड़का में कोई कमी नहीं था लड़का बहुत अच्छे लोग थे वो सबको जो है सो जैसे जैसे जो दस उपकारी कहना चाहिए इस लड़के को मतलब हाँ। सबका काम करता था हाँ अगर कोई भी रात हो भी रात हो कोई भी समय हो समय कुछ समय किसी को उपकार करने के लिए वो लड़का तैयार था हमेशा और हमेशा के लिए जो है सो आज उसे कौन ऐसा किया जो हमेशा के लिए उसे सुला दिया है इसी बड़ी दुखद घटना में कहते हुए या बात लेकिन इसमें सरकार को अवश्य छानबीन करने के लिए पुलिस किसी तरह का कोई भी है ऐसी हाँ, तो शक तो करने की कोई बात नहीं है तो जांच तो सरकार तो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकता है मरे हुए जब सरकार निकालती है जब उसका पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद ही ना पता चलेगा हाँ तो जब वही पता चलेगा तो उसको उसके लिए जो है सो अपना देखा जाए नहीं तो जाने वाला तो चला ही गया तो आप देख सकते हैं पूरा आंगन गमगीन है बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर जो सभी यहाँ पर जमा हुई है विलाप कर रही है और जब किसी घर से 18 से 20 साल का लड़का मृतक पाया जाता है कहीं पर लटका हुआ पाया जाता है तो आप देख सकते हैं उसके हालात क्या हो तो हम मौजूद है आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं का यहाँ पर तांता लगा है अभी अभी भैरवस्थान पुलिस प्रशासन यहाँ आई है और

बिरजू राम करके पिता है जिनके तीन बेटे जिनमें से मझला लड़का था ये बड़े के बड़े लड़का का शादी हो चुका है छोटा लड़का ये कहा जा रहा है कि बाहर जाने वाला था आज सामान उमान पूरा तैयार कर लिया था और ये बाहर जाने वाला था क्या दिमाग में आया और किस तरह का ये काम किया आ, भैरव स्थान प्रशासन पुलिस आई है उसे पोस्टमार्टम के लिए गया है संज्ञान लिया जाएगा और उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि मामला क्या है तब तक हम यहाँ पर आए थे हमने जानकारी ली बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई उम्मीद करता हूँ उस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे जिस तरह से हमारे समाज में आजकल युवाओं के दिमाग में एक अलग सा ही एक अ... फितूर चल रहा है एक अलग तरह से जो उनके दिमाग में चल रहा है जिससे कि वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं घटनाओं को करने के बाद सोचते नहीं हैं कि उसके बाद पिता का क्या होगा परिवार का क्या होगा और परिवार पर क्या बीतेगी क्योंकि एक माता अपने बेटे को कितनी मुश्किल से पालती है पोसती है उसे अट्ठारह बीस साल का जवान बनाती है और जवान होने के बाद गुस्से में या किसी कारण से जब वो ऐसी कोई घटना कर लेता है तो ना केवल परिवार के लिए गांव के लिए समाज के लिए सभी के लिए एक जो है गलत संदेश जाता है आज इस लड़के ने किया है इस लड़के को देखा देखी कोई दूसरा भी कर सकता है तो इस तरह की जो है वो घटनाओं से युवाओं को बचने की बहुत ज़रूरी है उम्मीद करता हूँ इस तरह का जो वीडियो आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे और आसपास जो भी हमारे युवा वर्ग है वो इस तरह की घटना करने से बचेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटना गलत है और हमें इसे कहीं भी समर्थन नहीं करते हमारा चैनल किसी भी तरह से इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं करता है और उम्मीद करता है कि भविष्य में जो है इस तरह के युवा जो है इस तरह का फैसला नहीं लेंगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास जय हिंद जय भारत जय मिथिला